सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित कटियार और आप लोगों ने अभी मेरी प्रेजेंट कंडीशन देख ली है। ये है मेरी प्रेजेंट कंडीशन और मैंने अभी तक 11 केजीज अपना जो है वेट लूज़ कर दिया है इस क्वारंटीन में, क्योंकि अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही थी और एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी। पर मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करूँगा और अपना ये जो मैंने लूज़ किया है उसको मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूँगा और आगे की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हम लोग की। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिम की सफाई का टर्न है, अभी मैं बहुत लेट आया, ये लोग अपना काम कर रहे थे, इन्होंने मुझको पाउच सुनाया है। वो ऐसे इधर बैठी है, ये नहीं है, और बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, अभी हम भी काम करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग चाय बना रहे हैं और इतनी गर्मी हो रही तब भी चाय बना रहे हैं क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और इंडियन क्या होते हैं, चाय लवर। तो जब भी नहीं इधर कोई पिलाएंगे चाय, भाई साहब क्या महक आ रही चाय की। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। लॉकडाउन से पहले बॉडी बिल्डर होते थे, अब आम आदमी हो गए। पहले ये ट्रेनर हुआ करते थे, अब मोटे हो गए। जिम बंद होने के बाद समोसे खाने जरूरी होते हैं, बॉडी बनती है। हम लोग गुजिया बहुत पसंद है, जब भी हम लोग जाते हैं तो गुजिया जरूर खाते हैं। अब मेरे लिए सबसे दर्दनाक किस्सा चालू हो रहा है, इसमें बैठना और धूप में, वो भी जल जाएगा सब कुछ। पबजी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझको, पबजी खेलना है टट्टी गेम। हाँ कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो यही है। मैंगो शेक किसको किसको पीना है, ये बहुत जरूरी थी इसके। एज यू कैन सी मैं मोजरेला चीज डाइस यूज कर रहा हूँ और साथ में चीज ब्लेंड भी। तो ये देखो, एक तरफ चीज ब्लेंड है, एक तरफ मोजरेला चीज। तो आजकल मैं चीज एक्सट्रीम लेवल पे यूज कर रहा हूँ, मैं मोजरेला चीज यूज कर रहा हूँ और चीज ब्लेंड भी यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया, ज्यादा चीज कंज्यूम करने से आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग ज्यादा चीज यूज मत करना, गुड फैट्स खाओ, ये बहुत ही बैड फैट होते हैं, पर मैं खा रहा हूँ क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है यार, क्या कर सकते हैं। तो जो हम लोग की सिचुएशन चल रही है इस वक्त वो सही नहीं चल रही है, कभी कुछ ना कुछ, कभी कुछ ना कुछ, तो कभी कोरोना, तो कभी अर्थक्वेक, तो कभी प्लेन क्रैश, तो सही नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे बस यही सीखा है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओ एन आउट, पीस।